वेरी हैंडसम ग्रूम प्रखर ढोल नगाड़ों के साथ गाजे बाजे के साथ सर पे सेहरा पहने शेरवानी पहने जिनके नाम है आज की ये खूबसूरत प्यारी सी शाम सभी बारातियों के साथ आ चुके हैं एंट्री गेट पर और लड़की वाले कर रहे हैं स्वागत दामाद जी का स्वागत हो रहा है एंट्री गेट पर दो दिन सो हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग तो आज का ब्लॉग सुबह के 9 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि दो तीन दिन से मैं सुबह के 9 ही बज जा रहे हैं मुझे ब्लॉग स्टार्ट करते हुए क्योंकि लेट हो जा रही है उठने में फिर इधर उधर भागे क्योंकि सीधे उठते ही सीधे बैंकेट हॉल भागता हूँ तो आज की जर्नी हम आपको दिखाते हैं तो ये घर के सामने ही हमारे जो खेत है ये सामने घर है ये गोदाम है तो ठीक सामने ही हमारे चरी हो रही घास हो रही जो गाय भैंसों के लिए काटी जा रही है और अर्जुन भाई भी आ चुके हैं सुबह सुबह उठ गए क्योंकि कल रात लेट उठ सोने के बाद भी आज टाइम से उठ गए तो घर में आए उससे पहले कर लेता हूँ नाश्ता फिर उसके बाद निकलना है बैंकेट हॉल सीधे तो खा पी के निकलते हैं बोला भी नहीं आवाज़ इतने दिन हो गए कि मेरी बैठी है क्योंकि हर ब्लॉग में आप देख रहे होंगे कि आवाज़ बोल गया था इतनी मोटी आवाज़ आ रही है बिल्कुल बोला नहीं जा रहा है चलते हैं पहले खाना खा लेते हैं फिर रोटी रायता और सारी सब्जी पहले खा लेता हूँ हाँ लाइन से सारी गाड़ी यहीं पे आके खड़ी हो गई गोदाम के आ गई मैंने तो अपनी गाड़ी यहीं पे लगा दी है छुटा दी एक भाई का है पवन भाई का एक ये है दूसरा तीसरा होता लोड होने को तैयार है और हमारे भैया भी आ चुके हैं पायलट इनका गाड़ी मैंने दिखा दी है इनकी अभी चल रहा है तो उसके बाद चलते हैं हम अभी आगे विजय डिजाइन लाइट हाउस तो पहुँच चुके हैं सीधे आमंत्रण बैंकेट हॉल तो अभी यहाँ का भी सेटिंग तैयार हो गई क्योंकि बाहर तो रात की बरात बाहर है और दिन में मेला संगीत का सेटअप अंदर है तो अंदर एंटर करते हैं पहले तो सुनील भी अंदर ही जा रहा है कि अंदर का तो लग ही चुका है और अब देखते हैं ये एंट्री है हमारी चलो सेटअप तैयार है बस डीजे लगना बाकी है लगी रहा मुकेश और लल्टो हो जा रहा है इसमें लगना तो डीजे लगवा दो फटाफट जल्दी सुबह नहीं पिया कुछ नहीं पिया इनके लिए समोसे और चाय पर समोसे मंगा दे जल्दी क्यों कल मंगाया था मैंने भाई बहुत देर तक मंगाया अब तो दुकान दूर है वो विक्की लाया था तो मेला संगीत का सेटअप हो गया तैयार इनको लग गई है भूख इनके लिए मंगाना है हमने समोसे और क्या मंगाना मुकेश चाय भी ठीक है कॉफ़ी वो ऊपर की लाइन हटा ले खाली छः फ्लोर लगा दे बस और तिपाही लगी बाकी ऊपर की लाइट की टेस्टिंग हो गई फाइनल तो चलते हैं पहले सेटअप वेटअप लगवा लेते मंडप उठ के सेंटर में आ जाएगा वो तो अभी रात में आएगा क्योंकि अभी इसका कुछ काम नहीं है काम की तैयारी हो चुकी है यहाँ पे ये काट रहे हैं गोभी चाउमीन के लिए सब लोग सेटअप रेडी हो घोड़ा भी आ चुका है लेकिन घोड़ा का सेटअप अभी पंख नीचे रखे हुए हैं क्योंकि अभी इसको चेंज खा चुका है ये परवर सब नीचे ही हैं तो अभी करनी से शिफ्ट तो सब पूरा सभी लोग पूरी टीम सेटअप चेंज करने में लगी क्योंकि हट और ये उधर को शिफ्ट हो रहा है अब बैंकेट हॉल के बाहर ही हमारे फ्लावर का डेकोरेशन मतलब यहाँ पे तैयारी होती है तो अब देवेंद्र भाई इसको देखने आए हैं कि यहाँ पे है कि तैयार हुआ है नहीं हुआ है क्योंकि अभी हमें इन्हें गैलरी में लगाना है शाम के 4 बज के तो रेडी करने हैं तो पॉट्स वगैरह सारे रेडी हो चुके हैं आज के स्टैंड फिर से चेंज है तो जावेद भाई हमेशा चेंज करते रहते हैं पॉट्स को और ये लगे हुए हैं यहाँ पर सारे जो मेन कार्य जो करते हैं यहाँ पर टीम्स तो डेकोरेशन में लगी हुई है छोटे बड़े हर साइज़ के बनाने पड़ रहे हैं क्योंकि उसको इक्वल बनाना पड़ता है ये सब यहाँ पर सामान रखा हुआ है ये जो फॉर्म है इनमें ही फ्लावर लगते हैं चलो फिर चलो आगे को तो अब मेला संगीत का सेटअप हो चुका है ख़त्म तो अब सभी लोग यहाँ पे हमने टिक्की चाट वगैरह खाने आ चुके हैं स्नैक्स वगैरह ये स्टाफ काम कर रहा है तो अब फिर अब सीधे अब शाम की तैयारी हो गई उन्हें कुछ जा रही है क्योंकि जिन जिनको खाना है कि मेला संगीत ख़त्म होते ही वैसे उनकी चाट टिक्की चाउमीन वगैरह जो भी होती है ये खाते रहते हैं तो अब हम लोग अपनी शाम की तैयारी कर रहे हैं सारे गेस्ट बाहर आ चुके हैं तो अपना डीजे हम अंदर से सीधे बाहर शिफ्ट करेंगे ठीक सामने वहाँ पे आपको दिखाया था मैंने तो वहीं डीजे लगवाते हैं पहले ना ना आप खाओ क्या खराब पानी की तरह से गुड अरे पीछे हाथ मत करना दाल आ गई मेरी इतना नहीं खाया यार दाल आ गई अरे अपने अपने उनसे पूछना तो दाल खा ले सुनील खा रहा बता से और ये हमारे मैनेजर साहब मालिक बैंकेट हॉल के पूछना सुमित लेके आया सुबह डिब्बा पानी की तरह देना जलेबी खाऊंगा मैं मेले रख देना चले चलो पता कर यहीं पर रख दो सर और पानी की बोतल भी ला दो ये मैनेजर साहब हमारे तो शाम के बज के 6
अब तो हल्का हल्का उजाला है, तो अब हमारा टेस्टिंग करने का टाइम हो गया, हमारी टीम चालू हो गई, फटाफट फोकस सेट। हाँ ट्र ट्र टावर को ही घुमा दो अंदर की ओर। तो अब चलो अब अंदर एंटर करते हैं। अभी भी फ्लावर पॉट्स वगैरह ठीक सामने रखे हुए हैं, वो दिख रहे होंगे आपको। तो अभी गैलरी में आएंगे वो। तो अभी मुकेश, सुनील, ये सब हमारे टीम मेंबर्स हैं। तो ये अभी फोकस सेट हो रहा है यहाँ का, तो चलते हैं अंदर को। अभी तो कपड़ा ये भी यहीं छोड़ गए, और अभी है गेस्टों का आने का टाइम है, लेकिन फिर भी हम पूरी गैलरी पूरी हाईलाइट कर दी है। आज गैलरी का अलग सेटअप है, क्योंकि आपने मेरे कल के ब्लॉग में भी देखा होगा कि कल का सेटअप अलग था और आज का अलग। पर डे सेटअप हमारे चेंज होते रहते हैं। तो अब ये पॉट रखेंगे अंदर, एक जगह सेट करेंगे, उसके हिसाब से फिर फोकस सेट करना पड़ेगा इस पर भी हमें। तो चलते हैं अभी अगेन, मैं एक बार और अंदर को आऊँगा, क्योंकि अभी बाहर से ही अंदर को एंटर हो रहा हूँ। ये आई बल्ब बंद है, इनको हिलाने पड़ते हैं तभी चलते हैं। ये जल गया, हाथ ना जल जाए। बस तो पूरा मोर का पंख स्टाइल है। तो अब तो MS ग्रुप वैली पार्किंग, जो गाड़ी आएंगी वो इन्हीं को ये ले जाएंगे और अपने आप खुद ही पार्किंग कर देंगे। तो चलते हैं अंदर को, तो फुल सेटअप गैलरी अब अच्छे से पूरी रेडी हो गई। फ्लावर पॉट्स वगैरह लग चुके हैं, ये रहे फ्लावर पॉट्स जो स्टैम्प पे नहीं लगे थे, एक बड़ा और एक छोटा, मतलब हल्के हल्के। और आज के ब्रूम एंड ब्राइड दिखा देता हूँ, वो ये है आगरा से लड़का, तो हल्द्वानी का लड़की है आगरा से। अभी भी इनके सामान ले चुके हैं, ये इनका प्री वेडिंग शूट है। चलते हैं अंदर को। हमने कल के व्लॉग में भी देखा होगा कि सेटअप अलग चेंज था, हर दिन हर मतलब हर पार्टी में सेटअप चेंज होता है, थीम चेंज होती है, हर एक चीज़ चेंज होती रहती है। तो जैसे आप देख रहे होंगे कैंडल्स अलग चेंज है, फ्लावर पॉट्स, कैंडल्स, हर एक चीज़। तो घोड़ा भी रेडी हो चुका उड़ने को तैयार, मतलब सेल्फी पॉइंट है ये, फ्रंट में रहता है, तो आपने पहले भी देखा ही है ऐसे भी। और यह है पान काउंटर, जो रेडी हो चुके पान, बटर मसाला, मैगी मसाला, पॉपकॉर्न्स। तो यहाँ का भी सेटअप रेडी है पूरा, राउंड टेबल वगैरह सब लग चुकी हैं। ये सुविंदर भाई, पूरे बंगाली किंग। अबे किसने गिरा दिया? अच्छा चल, अच्छा भी लगेंगे सारी राउंड टेबल में, फ्लावर पॉट्स भी रख दिए। तो दुल्हन के एंटी ठीक सामने से यहाँ से धुआं निकलेगा मटकों में से, तो फॉग। और डीजे में भी लाइटिंग के टेस्टिंग होने लग गई, एक बैंड पे भी लग चुका है, अभी इसकी टेस्टिंग चालू है। स्टेज भी हमारा रेडी है और सेटअप। द वेरी हैंडसम ग्रूम प्रखर, ढोल नगाड़ों के साथ, गाजे बाजे के साथ, सर पे सेहरा पहने, शेरवानी पहने, जिनके नाम है आज की ये खूबसूरत प्यारी सी शाम, सभी बारातियों के साथ आ चुके हैं एंट्री गेट पर और लड़की वाले कर रहे हैं स्वागत। दामाद जी का स्वागत हो रहा है एंट्री गेट पर, दो दिलों के नाम, दो परिवारों के नाम सजी आज की ये मुबारक शाम, आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। वी आर ईगरली वेटिंग फॉर द हैंडसम ग्रूम एंड ही इज फाइनली ऑन द एंट्री गेट। और कुछ ही देर के इंतजार में आएंगी ब्यूटीफुल प्रीटीएस्ट ब्राइड, मुस्कान, और फिर होगी शादी की कुछ खास रस्में और कस्में अदा। कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा, और हम करते हैं स्वागत कुछ बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत से ट्रैक्स के साथ। यस, ही इज ऑन द एंट्री गेट, करते हैं स्वागत सभी मिलकर। टिकने वाली इनके आगे प्रखर के लिए एक बार जोरदार शोर मचा के सीटी बजा दीजिए, किसी को सीटी बजानी आती है।
मुस्कान मुस्कान की बजा दे। मैंने तो आजमाई है ये बात, कहती हूँ नाम लेकर रब का, मुस्कान तेरी आंखों में डूब के प्रखर गूगल पे भी नहीं मिलता। सच ए लवली कपल यू आर, अमेजिंगली ब्यूटीफुल। सो किस किस को लग रहा है, लग क्या रहा है, पक्की बात है आज से मुस्कान का नया घर होगा, नया आधार कार्ड होगा, नया वोटर कार्ड होगा, वोट बैंक प्यार से भरा होगा, क्योंकि आज से मुस्कान का दिल और बिजली का बिल प्रखर के नाम हो चुका है। मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस। मैं आई नो दिस इज लव और अरेंज गोइंग टू बी अरेंज। जिस तरह से प्रखर इनकी आंखों में डूबे हैं, इनको ये भी होश नहीं रिश्तेदार भी आए हैं। 7 जन्मों का ये साथ है, लेकिन इनको देखकर लग रहा है कि ये 70 जन्म के लिए मुस्कान के हो चुके हैं। कंग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत बधाइयां। ये दुआ करते हैं कि आप ऐसे ही हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ऐ खुदा, अपनी अदालत में सभी के लिए जमानत रखना, हम मिले ना मिले इस पूरे परिवार को हमेशा सलामत रखना। आप सभी के लिए, अग्रवाल परिवार के लिए, दोनों परिवारों के लिए मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन। आप सबके और लड़की वाले सभी आ चुके हैं, अभी भी कुछ लोग सोफा से टिके हुए हैं, कहीं नहीं जाएगा सोफा, आ जाइए सिर्फ 5 मिनट के लिए, ओनली फॉर 5 मिनट्स। आ जाइए, आगे आगे आ जाइए, सभी आ जाइए, सारे आ जाओ। लड़के वाले हैं तो क्या हुआ, पालक पनीर फिर भी मिल जाएगा, सोफा भी कहीं नहीं जाएगा, लेकिन ये पल नहीं आएगा। ये पल बहुत ही प्रीशियस और खूब बंधन है। ऐसी रस्म निभाने जा रही है ये जोड़ी, जो भगवान शिव को पार्वती जी ने ये रस्म निभा के जन्मों जन्म के लिए अपना जीवन साथी माना। तब से हम सभी भारतीय परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इसी परंपरा को निभाते चले आ रहे हैं। समाज में एक बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन हिस्सा निभाने जा रही है ये जोड़ी। आप सबकी बेस्ट ब्लेसिंग्स के साथ मैं चाहती एक बार जोरदार तालियां, आपकी तालियां आशीर्वाद है इस जोड़ी को। कमन एवरीवन, जोरदार तालियां। और वैसे शादी की बात हो तो लोग जनरेटर पे भी नाच लेते हैं, तो एक बार मेरे साथ हो गुड़ नाल इश्क मिठा। अब थोड़ा सा लग रहा है, हो गुड़ नाल इश्क मिठा, हो रब्बा लग ना किसे नो जावे, गुड़ नाल इश्क मिठा। हम यही चाहते हैं ये गुड़ से मीठी जोड़ी हमेशा यूं ही मिठास से भरपूर रहे, दोनों बार खुशियां रहे। आप सबकी बेस्ट ब्लेसिंग्स के साथ इसी शुभ शुरुआत करते हैं की रस्म की। 3, 2, 1 एंड हियर वी आर, कम ऑन। डीजे की हो चुकी है, मैं इन दोनों से गुजारिश करती हूँ एक रोमांटिक डांस के लिए। प्लीज हाथों में हाथ ले लीजिए, आप दोनों हाथों में हाथ ले लीजिए। वी आर गोइंग टू प्ले 1 स्पेशल रोमांटिक ट्रैक जस्ट फॉर यू। मैं चाहती हूँ एक बार एडवांस में तालियां बजा दीजिए इस खूबसूरत जोड़ी के लिए। आई रिक्वेस्ट मिस्टर डीजे, प्लीज प्ले 1 रोमांटिक ट्रैक। सिस्टर्स, दूल्हे के भाई, बहने, मम्मी पापा प्लीज स्टेज पर आ जाएं। दुल्हन के मॉम डैड, ब्रदर्स सिस्टर्स, भाभियाँ, जीजा जी, सभी सभी से मेरी गुजारिश है, दोनों परिवारों को एक करते हैं। दो दिलों का मिलन हो चुका है, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द 2 फैमिलीज, बोथ फैमिलीज। आई रिक्वेस्ट प्लीज कम अप ऑन द स्टेज, ऑल द गर्ल साइड, ऑल द बॉय साइड। सभी से गुजारिश है, मम्मी जी, पापा जी, ब्रदर्स, सिस्टर। तो फाइनली पार्टी पूरी खत्म हो चुकी है, अब मंडप में जाने की तैयारी है। तो हम लोग तो अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि अब कंप्लीट हो चुका है यहाँ का पंडाल का। तो हॉल में होगी इनके फेरे वगैरह, और डीजे वगैरह सब क्लोज हो गया है, स्टेज भी पूरा क्लोज हो चुका है, मतलब स्टेज का काम पूरा हो गया है, तो डीजे भी पूरा खोल दिया गया है। तो चलते हैं अपने घर को, क्योंकि 2:30 बजने वाला है, तो अब टाइम भी आउट हो गया, क्योंकि यार पार्टी बहुत लंबी खींच चुकी है और आवाज़ तो मेरी वैसे ही बहुत बैठ रही है। तो जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, गुड नाइट, रात भी हो चुकी है, तो जल्दी मिलते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नए हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, जय हिंद।